बसमील रन रही अकमर स्टूडेंट्स हाउ आर यू होप सो यू विल बी फाइन आई एम गोइंग टू टीच यू द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास प्री नाइन्थ एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर वन एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री एंड पेज नंबर फिफ्टीन बेटा लास्ट टाइम आप लोगों ने डिस्कशन की थी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड द सब्ट्रेक्शन ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन स्टार्ट करूँगा मैं और क्वेश्चन नंबर सेवन की कुछ स्टेटमेंट हमारे पास यूँ हैं इफ़ टू टाइम अ मैट्रिक्स प्लस थ्री टाइम अ मैट्रिक्स बेसिकली ये दो मैट्रसेस यहाँ पे क्या हो रही हैं ऐड हो रही हैं ऐड होने के बाद एक मैट्रिक्स इसके इक्वल्स टू के लेफ्ट राइट हैंड साइड पर भी मौजूद है हम क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे सो क्वेश्चन नंबर सेवन इज टू टाइम द मैट्रिक्स इज टू फोर माइनस थ्री ए ए हमारे पास यहाँ पे क्या है अननाउंड है जो एक्चुअली हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जो क्वेश्चन की एक्चुअली रिक्वायरमेंट है फाइंड ए एंड फाइन बी प्लस थ्री टाइम्स सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास क्या है वन बी एट एंड माइनस फोर यहाँ पर हमारे पास जो इक्वल्स टू के राइट एंड साइड पर मैट्रिक्स है वो सेवन टेन एटीन एंड वन है सो so बेसिकली पहले हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू डी मैथ इनको एडिशन से पहले पहले हमें क्या करना पड़ेगा कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर जो कॉन्स्टेंट दोनों मैट्रिसेस के स्टार्ट में यहां पे टू दिया हुआ है और यहां पे थ्री दिया हुआ है सबसे पहले हम क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन उसके बाद इनको ऐड करेंगे सो स्टार्ट विद सॉल्यूशन सो सॉल्यूशन क्या होगा जी टू टाइम टू हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स क्या बनेगी टू टाइम टू और टू को अगेन फोर से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज कॉन्स्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होगा एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स सो टू टाइम टू मल्टीप्लाई फर्दर क्या बनेगा टू टाइम फोर टू टाइम इज माइनस थ्री एंड टू टाइम ए सो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगी प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे एवरी एलिमेंट विद द मैट्रिक्स सो ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगी थ्री टाइम वन थ्री टाइम बी ये बनेगा हमारे पास थ्री टाइम एट एंड थ्री टाइम माइनस फोर मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगी सो राइट एंड साइड पे हमारे पास इक्वल्स टू के उधर क्या है मैट्रिक्स सेवन टेन एटीन एंड वन सो मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे मैट्रिक्स को फिर उसके बाद हम जो है वो फर्दर इनको एड कर लेंगे टू टू जार फोर फोर टू जार एट थ्री टू जर माइनस सिक्स बिकॉज यहाँ माइनस थ्री था माइनस थ्री टू से मल्टीप्लाई कर क्या बन जाएगा माइनस सिक्स टू टाइम ए इज टू ए मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगी प्लस सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी है जी थ्री टाइम वन इज थ्री थ्री टाइम बी इज थ्री बी एट थ्री जर ट्वेंटी फोर नाउ माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री इज माइनस ट्वेल्व ओके So, ये हमारे पास मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगी सो राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो क्या होगी सेवन टेन एटीन एंड वन यहाँ पे एडिशन के लिए आप लोगों ने रूल पढ़ा हुआ है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास ऐड करने के लिए जिन दो मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे इन दोनों का ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए सो so, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी टू टू है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारे पास टू बाई टू है तो ये वाली दोनों मैट्रिक ईजीली हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे एडिशन के लिए जो सेकेंड रूल पड़ा था अगर तो आपके पास ऑर्डर सेम होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बेसिकली जो हमारे पास होती हैं हम उनको आपस में क्या कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू गिवन साइन ऐड या सब कर देते हैं सो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होंगी इफ़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो तो ये हमारे पास पहला एलिमेंट बन जाएगा तो इसके अगेंस्ट हम जब जिस मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है जी ये भी ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट रो का सो हम क्या करेंगे जब इनको ऐड करेंगे तो फोर प्लस थ्री लिखेंगे एट के साथ हम किसको ऐड करेंगे थ्री बी को ऐड करेंगे ये बनेगा एट प्लस थ्री बी मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगी ये हमारे पास बनेगा माइनस सिक्स माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर नाउ टू ए टू ए प्लस माइनस माइनस ट्वेल्व ये हमारे पास मैट्रिक्स खत्म हो जाएगी जी हमने इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में क्या कर दिया है ऐड कर दिया है राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या होगी सेवन टेन एटीन एंड वन यहाँ पे दो अननाउन है एक ए है और एक बी है सो जिन जिन एंट्रीज़ में हमारे पास ए और बी आ रहा है इसके अलावा हम चेक कर लेंगे क्या हमारे पास इक्वलिटी की कंडीशन होल्ड कर रही है क्या हमारे पास सेवन और एटीन क्या ये वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं क्या ये सेवन और एटीन बन रही हैं अगर तो ये बन रही हैं तो हाफ हमारे पास जो रूल है वो क्लियर हो जाता है कि हमारे पास सम हाउ वैल्यूज़ जो है वो कुछ सेम आ रही हैं जो अन नौन है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे सो so, इनको ऐड कर लेते हैं सेवन फोर प्लस थ्री इज सेवन माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर इज एटीन नाउ एट प्लस थ्री बी और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा टू ए माइनस ट्वेल्व ये मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगी सो so ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी सेवन टेन एटीन एंड वन इक्वलिटी का मतलब है ये दोनों मैट्रिस आपस में क्या है इक्वल होंगी सो so इक्वल की कंडीशन क्या होती है इक्वल की कंडीशन हमारे पास जो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन इक्वल की क्या थी कि हमारे पास ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा सेम होगा तो यहाँ पे ऑर्डर सेम है ये भी टू बाय टू मैट्रिक्स है और ये भी टू बाई टू मैट्रिक्स है सेकंड कंडीशन हमने जो इक्वल मैट्रिक्स की पढ़ी थी वो क्या थी हमारे पास वो हमारे पास ये थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होंगी वो हमारे पास क्या होंगी सेम होंगी तो सेवन ये फर्स्ट एलिमेंट है ये भी फर्स्ट एलिमेंट है सो तो ये दोनों सेम है यहां एटीन सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है यहां भी सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है एटीन तो समहो ये दोनों वैल्यू सेम है ये दोनों अननाउन है सो तो हम इनको विद रिस्पेक्ट टू इक्वेलिटी फाइंड आउट कर लेंगे बेसिकली दूसरी कंडीशन क्या थी कॉरस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल ठीक है सो so, यहां पे अब क्या करेंगे हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास एट प्लस थ्री बी है वो टेन के इक्वल आ जाएगा एट प्लस थ्री बी इज इक्वल टू टेन और जो सेकेंड वैल्यू हमारे पास वो क्या है जी टू ए माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू वन सो हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशन सो सबसे पहले हम एट को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे थ्री बी यहाँ रह जाएगा सो थ्री बी इज इक्वल टू टेन माइनस एट टेन माइनस एट इज टू नाव थ्री बी हमने बी फाइंड करना बी के साथ थ्री क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ इक्वेलिटी के ऑपोजिट साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा सो बी इज इक्वल टू टू बाय थ्री हमारे पास एक अन्नाउन की वैल्यू आ चुकी है सो so, दूसरा फाइंड कर लेंगे यहां से यह बनेगा टू ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व पहले शिफ्ट कर देंगे उधर वो क्या बन जाएगा वहां जाके प्लस ट्वेल्व वन ऑलरेडी था तो ट्वेल्व एंड वन इज थर्टीन नाउ टू ए जिस तरह हमने यहाँ पे थ्री बी में से जब बी फाइंड किया था तो थ्री हमारे पास क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हमने इसको शिफ्ट किया ऑपोजिट साइड पे इक्वालिटी के तो वहाँ पे हमने जाके क्या कर दिया इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे भी हम यही करेंगे जब ए को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे टू को यहाँ से शिफ्ट कर देंगे इक्वल टू के दूसरी साइड पर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी थर्टीन टू so, सो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं यहाँ पे हम इसको काउंटर चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या ये जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग दो मैट्रस थी क्या ये इक्वल भी हैं या नहीं है मगर क्वेश्चन में ये डिमांड नहीं की गई सिर्फ और सिर्फ ए और बी की अन्य उन वैल्यूज़ को फाइंड करना था सो हमने वो क्या कर लिया है वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया तो क्लास आप लोगों का जो काम है होमवर्क के लिए आपने डेफिनेशन हैं कुछ वो रिवाइज कर लेनी है इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास साइमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स एक ये डेफिनेशन है जो आपने तैयार करनी है पेज नंबर सिक्स के ऊपर है पेज नंबर सिक्स के ऊपर साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स ये आपका होमवर्क होगा इनशाला हम कल क्वेश्चन नंबर एट को डिस्कस करेंगे और जिसमें हम इनको यूज़ करेंगे कल इनशाला इसको डिस्कस भी करेंगे आपने इसको जस्ट रीड करना है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा